नमस्ते दोस्तों, निगम क्यूजिन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टी मीठी कौठा की चटनी। कौठा को हिंदी में कबिट के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में उसे वुड एप्पल कहते हैं। ये फल बहुत ही खट्टा मीठा और स्वादिष्ट होता है और उसकी चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, तो आप इस रेसिपी को एंड तक अवश्य देखिए। रेसिपी की शुरुआत करते हैं। कौठा की चटनी बनाने के लिए मैंने एक नंग बड़ी साइज का कौठा लिया है। कौठा बाहर से बहुत ही सख्त होता है और अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब भी आप चटनी बनाने के लिए मार्केट से कौठा लाए, तब उसे सूंघ कर ही ले। अगर उसमें से अच्छी खुशबू आ रही हो और कौठा वजन में हल्का हो, वैसा ही कौठा ले। अगर कच्चा कौठा होगा तो उसकी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। अब कौठा को हम तोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि अंदर का जो पल्प है वो बहुत ही सॉफ्ट है और एकदम ब्राउन है, यानी कि वो अच्छे से पका हुआ है। कौठा के अंदर बीज भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए इस चटनी को पीसने में थोड़ा समय अधिक लगेगा, लेकिन चटनी टेस्टी बनती है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ले लेंगे। कौठा के पल्प को चम्मच की मदद से निकाल कर उसे एक बड़े मिक्सर जार में ले। ये फल आपको ज़्यादातर गुजरात में स्कूल के बाहर ठेले वाले के पास मिल जाता है। बहुत ही खट्टा मीठा और स्वादिष्ट फल होता है। इस पल्प के ऊपर आप चाट मसाला डालकर भी उसे खा सकते हैं। कौठा के पल्प के अंदर सब मसाला ऐड करें, जिसमें 1 चम्मच साबुत जीरा, स्वादानुसार नमक, 3/4 टीस्पून जितना नमक लिया है, और 1/2 चम्मच काला नमक ऐड करें। जब भी आप कोई चटनी बनाते हो, उसमें नमक के साथ थोड़ा काला नमक ऐड करोगे तो चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। आप इसमें हरी मिर्च और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर पीस ले। सभी सामग्री को हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। कौठा के अंदर जो बीज होते हैं वो भी अच्छे से क्रश हो जाने चाहिए। अब हम उसमें 200 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमें इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ही ऐड करना है। हमने एक बड़ी साइज का कौठा लिया था, उसमें से करीबन 100 ग्राम्स जितना पल्प निकला था, तो जितना पल्प हो उससे दुगनी क्वांटिटी में आप गुड़ मिलाए। यह चटनी बनाते वक्त बिल्कुल भी पानी का उपयोग ना करें। अगर आप पानी ऐड करोगे तो चटनी आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकोगे। अब ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से पीस ले। मिक्सी जार में पीसने के बाद अब एकदम गाढ़ी कौठा की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे 15 से 20 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी खाने का मन करे तब उसमें थोड़ा पानी मिलाकर आप पकोड़े या किसी भी नमकीन के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने का मन करे वैसी स्वादिष्ट खट्टी मीठी कौठा की चटनी बनकर तैयार है। गुजरात में इस चटनी को ज़्यादातर सर्दियों की सीज़न में जो ऊंधियू बनाते हैं उसके साथ सर्व किया जाता है। आप इसे पराठे के साथ, नमकीन के साथ या खाने के साथ साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को घर पर अवश्य ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और ऐसी नई नई रेसिपी की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप हमारी रेसिपीज गुजराती भाषा में देखना चाहते हैं तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल निगम ठक्कर रेसिपी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसी तरह सरल और सात्विक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।